मर चुकी है। ये ले ले हाथ में। नहीं नहीं ले लो ले लो। अबे भाई मेरे हाथ धोने पड़ेंगे फिर खाना खाना। ये प्योर देसी तरीके से बनाया गया एक चूल्हा है भाई, पत्थरों के बीच में। ये टिक्के बन रहे हैं टिक्के। वो सब्सक्राइब वालों को बोलो यार सब्सक्राइब करें, ठीक है? चैनल का नाम तो बताओ, क्या सब्सक्राइब करेंगे वो। हम आए हुए पेबल बीच, पेबल बीच में दोस्त हमारे लगे हुए बारबेक्यू की तैयारी कर रहे हैं जी। हमने तो कभी जिंदगी में कराची में ऐसा नहीं देखा कि ऐसा बारबेक्यू हो, नेचुरल बारबेक्यू कभी नहीं देखा, कहीं हो रहा हो, कहीं बीच पे, कहीं। ये हमारे ब्रदर अपना एक्सपीरियंस यहीं पर, ये पहली दफा जो है ना एक्सपोजर मिल रहा है। क्या बात है, मजा आने वाला है। इमरान भाई अपने बच्ची से सारे चाय के लिए स्पेशल होटल के लिए फजू की चाय, नमक की चाय। इमरान भाई इससे पहले कहाँ पे काम करते थे आप? अभी तो सुनाई थी मजाक किया मैंने, कहा हम तो मीठी पियेंगे, हम तो चीनी वाली पियेंगे, वो अलग तो नहीं बनाएंगे ना, आज नमक वाली पी लेंगे यार, कोई बात नहीं। नमक चीनी वाला भूल गए भाई, नमक वाली डेब्यू है ब्रदर, आप नमक वाली पी के आदी हो जाएंगे। ये कराची जाएंगे घर वालों को कहेंगे नमकीन चाय बना के दो। कोयला वोयला खुल रहा है भाई, बारबेक्यू लगेगा यहाँ पे, साथ ही नीचे समंदर है, समंदर की आवाज देख रहे हैं आप, गुस्से में समंदर। ब्रदर सीखे लाए हैं सर, ब्रदर अवेश भाई सीखे लाए हैं। हरीफ भाई, भाई क्या बन रहा है? बारबेक्यू, वो भी चाइनीज वाला। चाइनीज वाला स्पाइसी होगा, मजेदार होगा, इसमें चारकोल का अपना एक अलग फ्लेवर आएगा। किसका चाहिए? चारकोल वाला। चारकोल, चारकोल का या चारकोल का? वो क्या होता है? बस ये जो अभी निकाल रहे हैं ना लकड़ी से जो बनता है चारकोल। हाँ सही सही। तो अभी इसके ऊपर पका के भी उसका इतना एक फ्लेवर नहीं आता, जो एक सॉस लेके आए हम लोगों ने बारबेक्यू सॉस के नाम से ही है, ठीक है, उससे उसका बहुत अच्छा एक फ्लेवर आता है, अच्छा टेस्ट आता है। सही हो गया। तो सोया सॉस, तंदूरी चिकन मसाला भी लाया मैंने। इस तरीके से इमरान भाई खोल रहे हैं ना इसको, ऐसा लग रहा है मारतोली का काम भी किया हुआ है पहले। आओ बनाए तो बनाओ, खुद हटाओ ये चलांगता, थोड़ा सा गहरा और ना बनाए क्या? ठीक है, सारी टीम लगी हुई है भाई, सारी टीम मैं इनके लिए व्लॉग बना रहा हूँ। क्या कहते हैं पहले नमाज पढ़ी जाए? हाँ लाजमी है, पढ़ते हैं आप? बिल्कुल लाजमी है, जाहिर बात है। नहीं नहीं, एनी टाइम कभी कभी कज़ा होता है, झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि हम लोग तो काम में बिजी भी होते हैं, कभी कभी ऐसे दिन भी आते हैं, लेकिन बाद में उसको पूरा करना लाजमी चाहिए। चलो नमाज पढ़ते हैं, चलो तेरे नमाज की जगह है उसके साथ, यहाँ गाड़ियों की रोशनी के सामने, यहाँ पर रेस्टिंग एरिया, यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पर बारबेक्यू करते हैं। ये सामने जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ना, ये एक ही किस्म के खूबसूरत किस्म के इन्होंने घर बनाए हुए हैं, जिस तरह यूनान में हम वीडियोज़ में देखते हैं कि एक ही तर्ज के घर बिल्कुल जुड़े हुए बनाए गए हैं, और जो कि तारीखी एक टूरिस्टिक सिटी कहलाता है। ये भी यहाँ भी ओमान में भी इन्होंने कोशिश की कि उस तरह से एक खूबसूरत किस्म का एक सिटी टाइप का बना दें। क्या बात है भाई, ले छप जाल तो सिरा अरे बहन। अच्छा अकबर भाई, क्या किस तरीके से धो रहे हैं आप गोश्त को? प्लास्टिक में डाल के, प्लास्टिक में डाल के अंदर सुराख डाले हुए, देसी तरीका है जी, देसी बर्तन ना हो तो इस तरह धोया जाता है। आज का दिन कैसा रहा वकास भाई? बहुत खूबसूरत, अच्छा लगा, बहुत मजा आया। हफ्ते में एक बार वीकेंड होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए, फ्रेश होता है इंसान। हाँ, इससे इंसान का जहन पे बहुत सारे बोझ कम हो जाते हैं। सर्दी ईशा की नमाज दो रकत पढ़नी थी, चार पढ़ ली, दोबारा दो रकत पढ़ी मैंने। होता है ब्रदर है ना, आपके लिंक से चार जाते हैं। ये प्योर देसी तरीके से बनाया गया एक चूल्हा है भाई, पत्थरों के बीच में,
पुराने ज़मानों में ऐसे ही चूल्हा बनाया जाता था, बीच में लक्कड़ रखते थे और साइडों पे पत्थर और ऊपर फिर रोटी शोटी तवा शवा रखते थे। टीवी बीच से लाइव आपको मनाजिर दिखा रहे हैं। यहाँ पे कुछ फैमिली बैठ के अपना वीकेंड एंजॉय कर रहे हैं। ये बीच है जी। हमारे कराची के एक ब्रदर आए हुए हैं तो इनके साथ थोड़ा सा एक प्रैंक करते हैं हम। आपने कभी देखा है समंदरी झींगा? नहीं। हाथ में लिया खाने में? वो बड़ा कूल होता है, फ्रेंडली होता है एनिमल। मैं आपको दिखाता हूँ। आ जाए, ये झींगा नहीं है, इसको कहते हैं पफर फिश। ये जब बाहर आती है ना, बाहर आती है तो ये सांस लेती है, अपने अंदर फूल जाती है। सही है। तो ये जब तक इसकी सांस इसके जिस्म में अंदर होती है तो ये सांस लेती रहती है, लेकिन जब वो ख़त्म होती है तो ये मर जाती है, और जब मरती है तो इस तरह ये खोल रहता है पीछे। ये आप देख सकते हैं शेप इसका हेलीकॉप्टर की तरह है, हेलीकॉप्टर की तरह है। लेकिन ये कि अंदर से खोखला है, मर चुकी है। ये ले लें हाथ में? नहीं नहीं ले लो, ले लो। अबे भाई मेरे हाथ धोने पड़ेंगे। अकबर भाई ये क्या बन रहा है, रोस्ट? हाँ ये टिक्के बन रहे हैं। टिक्के यहाँ पे बीच पे एक अजीब किस्म का सुकून है। गर्मी है थोड़ी सी, लेकिन उस तरह की गर्मी नहीं है कि बंदा फील कर सके। कोई तेल शेल नहीं है इसके मरा कई छुआ। हाँ बस कम कम छोर छोर मरा करती को लुची, थोड़ा जल्दी जल्दी घुमाना पड़ेगा इसको। पठाओ ये छुआ ना, चलो अकबर भाई इसके घुमाओ इसको। बहुत ही खतरनाक किस्म की लहरें आ रही हैं जी इस वक्त, देख सकते हैं आप। काफ़ी बाहर खड़ा हूँ मैं, लेकिन लहरें काफ़ी तेज़ हैं। समंदर गुस्से में आ गया। तैयार है? बरादर हेलो भाई जी। नया नया व्लॉगर बना है आजकल हमारा आरिफ भाई। शुरू हो गया भाई खाना, शुरू हो गया, लग गया खाना। बारबेक्यू को हमने हजम कर लिया है, अब चाय की बारी है। चाय पक रही है भाई आज। कड़क चाय बन रही है, देसी बन रही है? देसी है। चलो देसी चाय हम मत टेस्ट करेंगे। मीर साहब इसके इंचार्ज है, मिस्टर मीर इसके इंचार्ज है। चाय की स्पेशल है, इसके लिए एक मक्खी शॉप खोल के देना है अभी। दे रहे सुशील भाई चार्ज नहीं बता मोदी साहब के साथ, लेकिन आजकल कहाँ रुके। ये पीछे बहुत ही प्यारा बैकग्राउंड आ रहा है, क्या कहते हो? कुरियात सिटी इसको कहते हैं। हाँ बीच के साथ पूरा एरिया है। क्या बात है यार, बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा पीछे वो फुटबॉल ग्राउंड है और सामने वो इनका मक्का है। क्या बात है, मक्का है सारे बाजार। क्या बात है। और हमारे नए यूट्यूबर सब, और कैसा जा रहा है आपका यूट्यूब? बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा एंजॉय कर रहे हो? बहुत ही। वो सब्सक्राइब वालों को बोलो यार सब्सक्राइब करें, ठीक है? चैनल का नाम भी बताओ क्या सब्सक्राइब करेंगे वो चैनल का नाम बता नहीं रहा है, कह रहा सब्सक्राइब करो। सब सब्सक्राइब करें इसका चैनल। ओके जी गाड़ी लगता था।